मैं शोएब अंसारी आपका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फर्स्ट स्टेप पर। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले। और आज का टॉपिक है मॉडम और राउटर के ऊपर, कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मॉडम क्या होता है, राउटर क्या होता है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर मॉडम और राउटर्स क्या होते हैं। और जो कंफ्यूजन है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मॉडम का काम क्या होता है कि मॉडम करता है आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉडम में हम आज हमें दो तरह से नेट प्रोवाइड होते हैं, या तो हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, या तो फिर हमें केबल नेट, जो आपके घर में आप देखते होंगे हाथ पे वगैरह जो आता है वो केबल नेट के थ्रू आता है। तो केबल नेट के थ्रू हम जो नेट प्रोवाइड होता है तो उसमें हम अपने कंप्यूटर पे उसको इजीली नेट एक्सेस कर पाते हैं। तो मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेशन करता है किसके ऊपर, डिजिटल सिग्नल के ऊपर। मॉडम का बेसिक काम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। और राउटर क्या काम करता है, आपके सिग्नल्स को राउट करने के लिए। जैसे कि समझो कि आपने जो भी नेटवर्क है उसको राउट कैसे करना है, जैसे बेसिकली आप खड़े हो चेंबूर में और आपको जाना है कुरला। तो आपको अगर कुरला जाना है तो आप सोचिए आप कैसे कुरला जाएंगे। तो आप जब उस चौक पर आते हो तो आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा कि ये वे है कुरला जाने का, तो वो आपको एक रूट बताता है। तो सेम वही काम राउटर करता है, वो क्या करता है आपके नेटवर्क को रूट बताता है। जैसे कि आपने टाइप किया गूगल, तो गूगल की साइट पर जाने का जो रूट है वो राउटर प्रोवाइड करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मॉडेम और राउटर में फ़र्क क्या होता है। चलिए आइए हम आपको एक सिनारियो करके दिखाते हैं, सिनारियो में बताते हैं कि कैसे होता है। ये है समझिए कि जो मैंने ISP लिखा है ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपको या तो फिर टेलीफोन लाइन के थ्रू या फिर केबल नेट के थ्रू आपको मॉडेम में नेट प्रोवाइड करेगा। अब ये नेट क्या होता है कि आप यहाँ से अपने एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड होंगे, आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा मॉडम, और वो क्या करेगा आपके राउटर को देगा वैन में आपको कनेक्ट करना है। राउटर क्या करेगा, वो आपको रूट आपके सिस्टम को जो भी आप आपके वो क्या करेगा, आप वहाँ से लैंड कनेक्शन में आप सीधा अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में आप कनेक्ट करोगे कैश छोड़ के थ्रू। तो वो क्या बेसिकली आपको एक, जैसे कि आपने लैपटॉप पर टाइप किया गूगल या हो या जो भी वर्ड वगैरह जो भी आप साइट्स ओपन करते हो टाइप किया, तो वो वगैरह वो आपको फ़ौरन उसके पेज पर लेकर जाएगा और आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसने आपको मॉडम में एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड किया, एनालॉग से कन्वर्ट होता है डिजिटल में। मॉडम क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेशन करेगा, उसको रिटर्न वो आपको राउटर को देगा। राउटर क्या करेगा, आपके लैपटॉप को प्रोवाइड करेगा जो डिजिटल सिग्नल है, और आप जो भी चीज़ ओपन कर रहे हो या देख रहे हो वो बेसिकली आप डिजिटल फॉर्म में देख पाओगे। और जैसे ही आप कमांडिंग करते हो किसी चीज़ की, जैसे कि मुझे कोई साइट्स ओपन करना है, तो वो जो रिटर्न क्या करेगा, वो राउटर के पास भेजेगा सिग्नल डिजिटल फॉर्म में। और राउटर क्या करेगा, वही डिजिटल फॉर्म में आपको वापस रिटर्न मॉडम को देगा, मॉडम वापस उससे कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, और ये जाएगा वापस आपके सर्वर पर जो भी वो ढूंढकर वापस रिटर्न आपको वो प्रोवाइड करेगा। ये कुछ मिलीसेकंड के अंदर ही पूरा वर्क होता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बेसिकली राउटर और मॉडेम में फ़र्क क्या है। दोस्तों इसके आगे मैं जो टॉपिक्स लूँगा वो हब और स्विचेस। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हब और स्विचेस में फ़र्क क्या होता है, ये सिमिलर ही तो दिखता है, सिमिलर ही वर्क करता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाऊंगा, बताऊंगा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको इस कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइए। और आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना है वो उसके बारे में मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने के लिए। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय।